250 ग्राम। गैस चालू करके रख दिया है गैस पे, ठीक है। इससे हम बिना चाशनी के मिठाई बनाएंगे इसमें, ठीक है। साथ साथ में डाल देंगे दोनों, शक्कर और मावा, और इसे हम बराबर, ठीक है, 250 ग्राम ये है मावा, तो 250 ग्राम शक्कर, इसको धीमा धीमा पिघला लेंगे मावे में, ठीक है। दोनों को हमने मिला लिया अच्छे से 10 मिनट, दस मिनट हिला लेंगे इसे अच्छे से, और अपने आप शक्कर घुल जाएगी, ठीक है। घुलने के बाद 5 मिनट और पका लेंगे इसको, फिर इसको ठंडा कर देंगे एक प्लेट में और जमा देंगे, ठीक है। हमें चाशनी की या फिर इसे भूनने की अलग से मावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे हम साथ में ही पका लेंगे। अब ये बंद कर देंगे गैस, अब तैयार है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में, जमने के बाद बताते हैं, ठीक है। इसको ठंडा होने देते हैं। ये जम चुका है, अब इसके हम पीस बना लेते हैं। तीखा चाकू होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें घी लगा लो, ठीक है। अब इसे हम पीस बनाते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हम चाहते हो, ठीक है। ये अच्छे से जम जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें इसको बनाने के लिए ना, मैंने जो बताया है वो ही प्रक्रिया अपनाना। लेकिन इनको जमाने से पहले क्या करना है आपको, कढ़ाई उतार लेते हैं ना, बंद कर देते हैं अपन गैस को, ठीक है। तो उसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा करना कढ़ाई में मिलाते हुए, तब जाके जमाना, ठीक है। ऐसे ही नहीं जमा देना, नहीं तो फिर क्या है, हलवा बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने बना लिए पीस, बनाना धीमे धीमे, नहीं तो पूरा क्या है मावा जल जाएगा। हमें इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मिलाने की। ये देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 मिनट हुए हैं और जम गया है। ये ऐसे ही सारे पीस निकाल लेंगे, बहुत ही आसान होता है मावे की मिठाई बनाना, ठीक है। अभी गर्म है, बहुत गर्म है, एकदम ठंडा होगा तो अच्छे से जम जाएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।